अखिल भारतीय ऑल मुस्लिम जमात की इज्तिमाई शादी शानदार लगातार तीसरी बार दिनांक 12 अप्रैल 2017 बरोज बुधवार स्थान दशहरा मैदान एसपी ऑफिस के पास कैंट गुना मध्य प्रदेश। विशेषताएं मध्य प्रदेश शासन की अनूठी योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं एवं 25,000 रुपए का लाभ पाएं। एक जोड़े को उमराह करने का सुनहरा मौका। सम्मेलन वाले दिन लकी ड्रॉ द्वारा जिस जोड़े का भी नाम आएगा उस जोड़े को कमेटी की जानिब से मक्का मदीना में उमराह जैसी इबादत व जियारत करने का खास मौका दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने का पता मुख्य कार्यालय करीम कॉम्प्लेक्स प्रकाश टाकीज गली सदर बाजार गुना। मोबाइल नंबर 9993769514। हाजी सगीर अहमद डायमंड टेलर्स जामा मस्जिद चौक गुना। मोबाइल नंबर 9806851786। अब्दुल हफीज सोनू भारत शोकर सर्विस ओवरब्रिज के नीचे यामाहा शोरूम रोड गुना। मोबाइल नंबर 7509501936। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 7583884111। नमस्कार, मैं मुजाहिद भारती स्वागत करता हूं आपका डीजी एना न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। खेत पर नहाने गए 3 बच्चों की हुई करंट लगने से दुखद मौत। म्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राई में उक्त घटना हुई। ये घटना तब हुई जब बच्चे खेत पर लगे ट्यूबवेल पर नहाने गए थे। वहां रखी डीपी के बिजली के तार में उलझने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उस तार के द्वारा करंट फैलने से अन्य 2 बच्चे भी इस करंट में झुलस गए, जिनकी भी मौके पर मौत हो गई। 3 बच्चों की उम्र 6 से 8 वर्ष के मध्य बताई जा रही है। खबर लगते ही म्याना पुलिस सहित SDOP श्रद्धा जोशी भी मौके पर पहुँच चुकी थी, जिसके बाद 3 बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं गुना कलेक्टर राजेश जैन भी मौके पर पहुंचे व मृतक बच्चों के परिजनों को तत्काल 30,000 रुपये की सहायता शासन द्वारा दिलवाने का आश्वासन दिया। म्याना थाना क्षेत्र में वहां पर 3 बच्चे 6, 8 और 10 साल के थे, वो नहा रहे थे, डीपी से कोई वायर लगने से करंट लगने से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से दुखद घटना है। MPV वालों को भेजा है हमने, देखें कि MPV की लापरवाही से तो ऐसा नहीं हुआ है, और जो भी इनको सहायता राशि है शासन की ओर से दे वो दिलवाने के हम प्रयास करेंगे तत्काल। जबकि क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौके पर पहुंच चुके थे। ये लोग कौन थे, बच्चे किसके हैं आपके, कितने बच्चे हैं? 3 उन्होंने भी तत्काल 10,000 रुपये की सहायता बच्चों के परिजनों को मुहैया कराई। घटना है और ये संपूर्ण परिवार जो है हमारा परिवार है, आदिवासी पूरा परिवार है, राई के पास में जावली गांव के, और निश्चित रूप से हृदय को व्यथित करने वाली घटना। फिर भी जो भी संभव होगा अपनी तरफ से, माननीय सांसद जी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, SDM साहब भी हैं, कलेक्टर साहब भी यहाँ आने वाले हैं, जनपद अध्यक्ष ही मौजूद हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ही मौजूद हैं। क्या सहायता इनको मिलेगी? जो भी सरकारी होगा नियम के तहत होगा, और बाकी हम लोग मिलकर अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जनपद से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से गरीब परिवार को हम लोग सहायता प्रदान कर सकें। जिला कांग्रेस ने अमर शहीदों को याद कर मनाया शहादत दिवस।
राखन गली स्थित सांसद कार्यालय पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीदों के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा ने उपस्थित समस्त कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के अलावा हर राज्य में पिछले चुनावों की अपेक्षा अच्छी बढ़त हासिल की है, जबकि मीडिया पर उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया लगातार इस प्रकार की खबरें प्रसारित कर रहा है जैसे कि कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से मीडिया हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है और कहा कि जब 5 राज्यों में बदलाव आया है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में भी आगामी चुनाव में जनता बदलाव लाएगी। आज के शहादत दिवस पर राष्ट्रनायकों शहीद आदम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को कांग्रेस की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज कांग्रेस परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम सब आज उस समय को भी याद कर रहे हैं जिस समय शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ हमारे दोनों महान सपूतों को समय से एक दिवस पूर्व फांसी दे करके जिस प्रकार से अंग्रेजों ने उस समय के नियमों को तार तार किया था, आज हम सब लगभग वैसे वातावरण की ओर बढ़ते हुए देश को देख रहे हैं। आज उसी विचारधारा का विरोध करने और इनके दिखाए हुए मार्ग पर चल के उस विचारधारा का विरोध करने का निर्णय कांग्रेस परिवार ने लिया है। हम तब उस मार्ग पर चल के देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे, स्वयं को समर्पित करके आगे बढ़ेंगे, ये संकल्प आज हमने लिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के संबोधन से युवा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। क्या वजूद है कांग्रेस पार्टी का, क्या काम है, आप सबने क्या जज्बा है, कैसे आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसके लिए आप और हम सब समर्पित हो जाएंगे। 9 तारीख को 1-3 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा, बाकी फिर एक और बैठक करके हम लोग उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। आज आरोन दौरे पर रहे जिला कलेक्टर राजेश जैन। गुना जिले के आरोन नगर में आज जिला कलेक्टर राजेश जैन का आकस्मिक दौरा रहा। आरोन जाते ही कलेक्टर राजेश जैन ने अरुण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां पर पदस्थ बीएमओ डॉक्टर के श्रीवास्तव के साथ अस्पताल का पूर्ण जायजा लिया। वहीं उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर के श्रीवास्तव को बताया कि लाइट जाने पर तुरंत जनरेटर चालू किया करें व मरीजों के जो पलंग हैं या तो इन्हें बेच दें या फिर इनकी मरम्मत कराई जाए। इसके बाद कलेक्टर राजेश जैन आरोन तहसील पहुंचे, जहां पर राजस्व विभाग का निरीक्षण किया व पेंडिंग कार्यों की जांच कर अधिकारियों से उन्हें जल्दी निपटाने को कहा। तत्पश्चात कलेक्टर ने बालक छात्रावास का भी दौरा किया, जहां की प्रभारी को नसीहत देते हुए कहा कि छात्रावास की बिल्डिंग की तुरंत मरम्मत कराकर इसकी पुताई भी कराई जाए, नहीं तो आपको तुरंत पद से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग का रुख किया व खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर से कहा कि आपके कार्यों की गति बहुत धीमी है, कृपया अपने कार्यों की गति में थोड़ी तेजी लाएं। अच्छा, बैंक वाले कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? एक दिन तो नहीं सर, एक ये 15 दिन से ऊपर में तो बैंक को पड़ौदा का दिया जा रहा है चेक किसानों को। आरोन है क्या यहाँ पे? नहीं, आरोन का थोड़ी देर बैंक को पड़ौदा ही नहीं है, पड़ौदा व्यापारियों की और सेक्रेटरी की भी बैठक ली, हमने डिसाइड किया है कि किसी भी किसान को पेमेंट के संबंध में परेशानी ना आए। आरटीजीएस के संबंध में परेशानी आ रही है, उसमें बैंक वालों के हम हायर लेवल पे बात करके उसका समाधान निकालेंगे। चूंकि सीजन प्रारंभ हो चुका है और फसल आना शुरू हो गई है, इसलिए हम प्रयास करेंगे किसान को किसी तरह भुगतान की समस्या ना आए। अस्पताल में भी हमने देखा है डॉक्टरों की निश्चित रूप से कमी है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों की पदस्थापना हो, बाकी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं सफाई अफाई की उसको सुधारने के लिए हमने निर्देश कर दिया है। हॉस्टल्स में भी सफाई की प्रॉब्लम्स है, पुताई पुताई नहीं हुई, उसके लिए भी निर्देशित कर दिया और अगर नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तथा अंत में सभी कर्मचारियों की बैठक ली, इसके बाद वे गुना के लिए रवाना हो गए। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस के हत्थे चढ़ा कल हुई महिला की हत्या के आरोपी नवाब,
आपको बता दें कि कल दिन दहाड़े कोटेश्वर मंदिर गली में नवाब के द्वारा उसकी पूर्व पत्नी 45 वर्षीय रेहाना की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके तुरंत बाद सिटी कोतवाली ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी नवाब को पकड़ने के लिए टीम तैयार कर दी थी। इसी क्रम में आज सिटी कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हत्या का आरोपी नवाब स्टेशन क्षेत्र में मौजूद है, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी नवाब ने कहा कि महिला उसे काफी परेशान करती थी, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। मुखबिर की सूचना पर 4 हवाई फायर कर 36 सागवान सिल्लियां एवं एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। वन परिक्षेत्र बीनागंज के द्वारा उक्त कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई। ज्ञात रहे कि कोटरा के नजदीक घासबड्डी दो खंबा पर सागवान तस्करों द्वारा सागवान की सिल्लियों की तस्करी की सूचना जैसे ही मंडल बीनागंज को मिली तो फौरन वन मंडल रेंजर सुनील कुमार खरे के नेतृत्व में डिप्टी रेंजर मुरारीलाल शर्मा एवं कैलाश नारायण भील द्वारा नाकाबंदी कर तस्करों से 36 सागवान की सिल्लियां और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। इन सागवान की सिल्लियों की कीमत मोटरसाइकिल सहित 50,000 रुपए आंकी जा रही है। वन मंडल डिप्टी रेंजर मुरारीलाल शर्मा ने बताया कि तस्कर लगभग 7 मोटरसाइकिलों से थे एवं वे करीब 14 लोग थे जो हथियारों से लैस होने के कारण वन मंडल अमले से बच निकले। हमारी वन विभाग की टीम में मुरारीलाल शर्मा डिप्टी रेंजर और टीम ने रात में गश्त शुरू किया था। कोटरा के पास पहाड़ी पे 6-7 मोटरसाइकिल वहाँ से वीर आदिवासी लोग लेके निकले। वन विभाग की टीम को देख के उन्होंने लकड़ी फेंकी और मोटरसाइकिल लेके भाग गए और एक मोटरसाइकिल भागने में असफल रहे तो वो मोटरसाइकिल हम लोगों ने जब्त की है और उसमें स्टाफ के साथ हम लोगों ने रोक के झगड़ा करने का भी प्रयास किया और मोटरसाइकिल हीरो होंडा की साइन जो है वो जब्त की हुई है और उसके साथ 36 नग सागवान की सिल्लियाँ जब्त की हैं जिनकी कीमत लगभग 36,000 और मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 15,000 लगभग 50,000 रुपये की सामग्री टोटल वन विभाग द्वारा जब्त की गई है। इससे अवैध वनोपज की रोकथाम के लिए हमारा प्रयास बना रहता है। इसकी सूचना आपको कहाँ से मिली? सूचना हमारे यहाँ ये अड़ोस पड़ोस की बीटों सबरेंजों से जो लकड़ी चलती है जहाँ से कट के वहाँ से मुखबिरों द्वारा हमको सूचना प्राप्त होता है। अखिल भारतीय नौजवान सभा ने मनाया शहादत दिवस। याद किया आज ही के दिन शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूतों को। अखिल भारतीय नौजवान सभा गुना द्वारा आज 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु एवं शहीद सुखदेव को उनकी शहादत के दिन याद किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इन शहीदों ने देश की आज़ादी को किस प्रकार से नई दिशा प्रदान की थी, कि अंग्रेजों के लिए जिंदा भगत सिंह से ज़्यादा खतरनाक शहीद भगत सिंह साबित हुआ। सभा को अनेकों वक्ताओं ने संबोधित किया एवं अनेकों साथियों ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया शहादत दिवस, साथ ही नाटक के मंचन के जरिए प्रस्तुत की शहीदों की जीवनी। स्थानीय पीजी कॉलेज में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इन कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नाटक का मंचन कर उपस्थित लोगों को शहीदों के जीवन के बारे में बताया गया। हो गया।
थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आ रहा है दिक्कत? कैसी दिक्कत? दिक्कत कैसी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि तुम भी उसके माने हो, पुलिस कमरे में भी 25 लोग उसके माने हैं। अब कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है यार। भगवती भाई, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुना में शासकीय पीजी कॉलेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 23 मार्च 1931 को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जिस बर्बरता से फांसी दी गई थी, उसकी जो आज हमारे वर्षीय शहीद दिवस के रूप में आज यहाँ 2017 का अपनी 23 मार्च को मना रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में आज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पीजी कॉलेज के हॉल में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे कई छात्रों और छात्राओं ने एक नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नाट्य रूपांतरण उनके जीवन के ऊपर यहाँ पर बना के यहाँ पर प्रस्तुत उन्होंने किया है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जिला प्रचारक जी माननीय श्री लखन जी विश्वकर्मा उपस्थित हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह युवाओं ने इस देश के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अपने चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे जैसे लोग और खुदीराम बोस जैसे लोग इतनी कम उम्र में अपनी जवानी में देश के लिए बलिदान उन्होंने दे दिया, तो ऐसा आज का युवा जो नशे की उसमें बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार में और नक्सलवाद में इस तरह की कई व्यवस्थाओं में और गलत कामों में पड़ता जा रहा है, उसको इसका तुरंत बदलाव लाना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपना असली आइडल मानना चाहिए, और अपना हीरो जो सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे लोग अपना हीरो मान रहा है, असली हीरो अगर किसी को माने तो ऐसे वीर क्रांतिकारियों को माने जिसकी वजह से आज हमें आज़ादी की सांस ले रहे हैं, और देश के लिए कुछ करने के लिए और जिए और देश के लिए कुछ करने की अपनी भागीदारी दें। शहादत दिवस के उपलक्ष्य में छात्र संगठन डीएसओ ने आयोजित किए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में डीएसओ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही शहीद भगत सिंह के विचारों को अपने जीवन में उतारने एवं लोगों के बीच पहुंचाने का भी प्रण लिया। शासन का ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस यहाँ पर मनाया गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने एक उद्देश्य के साथ शहादत दिवस मनाया है। सिर्फ फूल चढ़ाना उद्देश्य नहीं है, इनके विचारों को, इनकी जो अरमान थे, जैसा आज़ाद भारत बनाना चाहते थे, उस आज़ाद भारत के विचारों को लोगों के बीच में पहुँचाने के लिए पूरे सप्ताह भर से 50 से ज़्यादा जगहों पर ये कार्यक्रम मनाया गया है। और आज इस कार्यक्रम का, जो कि कॉलेज में हम लोग मना रहे थे, इसलिए कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आगामी आज शाम को भी और आगामी 1 तारीख को भी भगत सिंह की याद में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम इस शहर में हम लोग करने जा रहे हैं। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि सब लोग शामिल हों, भगत सिंह के विचारों को पढ़ें, राजगुरु सुखदेव के विचारों को पढ़ें, और उनके विचारों के साथ साथ अपनाने के साथ साथ उन जीवन में लागू करने का भी प्रयास करें। लायंस नेत्र चिकित्सालय ने आयोजित किया निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर। उक्त शिविर का आयोजन पुरानी गल्ला मंडी स्थित पाटई भवन में किया गया। आज हुए शिविर में लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपना नेत्र परीक्षण करवाया, जिसमें 15 से अधिक लोगों के मोतियाबिंद के मरीज के रूप में चिन्हित किया गया। गौरतलब है कि इन सभी मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन भी लायंस नेत्र चिकित्सालय द्वारा किया जाएगा। आज लायंस नेत्र चिकित्सालय द्वारा स्वर्गीय श्रीमती नीलम गोंडल की स्मृति में ये एक निशुल्क नेत्र शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में अभी तक लगभग 88 मरीजों का परीक्षण किया चुका है, और साथ ही लगभग 15 मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाया गया, जिन्हें चिन्हित करके लायंस नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर उनके कल सुबह ऑपरेशन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने आयोजित की बाइक रैली। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो ज्ञात रहे कि इंजीनियर संघ के करीब 150 कार्यकर्ता अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 मार्च से हड़ताल पर हैं।
इसी क्रम में आज बाइक रैली निकालकर इन्होंने जिलाधीश को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। संजय कुमार माथुर, प्रांतीय सचिव हूं मैं। ये रैली निकाली किस संदर्भ में? ये रैली हम पिछले 10 साल से शासन से मांग कर रहे थे कि हमारी ग्रेड पे में सुधार किया जाए। जो ताराचंद वेतनमान 1962 से हम लोग तहसीलदार के बराबर थे, आज हम सबसे नीचे चले गए। 10 साल से हमारे अनुनय बने के बावजूद मुख्यमंत्री या ऊपर बैठे अधिकारियों ने कोई भी इसकी परवाह नहीं की। अब सातवां वेतनमान आयोग लागू हो गया है, उसमें भी हमें कहाँ डाला जाए कुछ हमें पता नहीं है। हम लोग 30-30 साल की नौकरियां हो जाती हैं, लोग एक ही पद पर रिटायर हो जाते हैं, ये बड़े दुख का विषय है। हमारी एक डिमांड है कि हम लोग कम से कम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक पदोन्नति तो दी जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक कर्मचारी को कम से कम 2 पदोन्नतियाँ उसके पूरे सेवा काल में मिलना चाहिए। इसी तरह त्रिस्तरीय वेतनमान की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि हर कर्मचारी को 3 स्तर का वेतनमान, समयमान वेतनमान मिलना चाहिए, लेकिन समयमान वेतनमान भी हम लोगों को 2 स्तरीय दिया जा रहा है, तीसरा स्तरीय वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही हमारे यहाँ 10-10 साल से संविदा पे लोग काम कर रहे हैं और 10 साल के बाद भी उन लोगों को परमानेंट नहीं किया, ये ही बड़ी दुख की विषय है। तो हम लोगों ने इन सब बातों को लेकर 21 तारीख से आंदोलन शुरू किया है, जो 4 तारीख तक हम लोग अवकाश पर रहेंगे और उसके बाद अगर फिर भी शासन हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वंदना कॉन्वेंट के करीब एबी रोड पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसमूह। गौरतलब है कि पंडित श्री कमल किशोर जी महाराज के श्रीमुख से चल रही इस श्रीमद् भागवत कथा में शहर भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको आज की इस कथा की कुछ झलकियां। जो सामग्रियां इंद्र के लिए तैयार की थी वो सब गिरिराज बाबा के लिए समर्पित करते हैं। सभी ब्रजवासियों ने सज्जनों भगवान गिरिराज बाबा का ध्यान किया है और बड़े अज्ञात कारणों के चलते विवाहित महिला 35 वर्षीय फूलबाई ने लगाई खुद को आग। इस आग में महिला का लगभग आधा शरीर बुरी तरह झुलस गया है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बूढ़े बालाजी पर रहने वाली पीड़ित महिला के पड़ोसियों की माने तो महिला का उसके पति से आए दिन झगड़ा होता रहता था। वहीं पड़ोसियों का कहना यह भी है कि हो सकता है कि उसके पति ने ही उसे आग लगाई हो। हालांकि आग लगाने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी ये थोड़ी देर पहले की घटना है। बूढ़े बालाजी पर फूलबाई नाम की महिला रहती है। आज इनके पति से इनका विवाद हुआ और उस कारण पति ने इन पर तेल डालकर आग लगा दी है, जो काफ़ी जल गई है। अभी यहाँ पर रिपोर्ट पर से इनकी रिपोर्ट पर से इनके पति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा रहा है और उसकी तलाश भी की जा रही है। स्पॉट पर तहसीलदार साहब भी आ गए, इनके मरणासन कथन भी कराए जा रहे हैं। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।